ये वीडियो स्पेशली उन भाई लोगों के लिए जो 5 मिनट में OBS का एक सुपर बेसिक सेटअप कंप्लीट करके फटाफट से लाइव जाना चाहते हैं। इस वीडियो में हम लोग दो अलग अलग तरीके के स्ट्रीमिंग देखेंगे, एक अगर आपको कोई PC गेम स्ट्रीम करना हो या दूसरा अगर आपको कोई मोबाइल गेम स्ट्रीम करना हो किसी गेम कैप्चर कार्ड का यूज़ करके। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। जल्दी से शुरू करते हैं वीडियो। वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि अगर आप कंफ्यूज हो जाते हैं इस 5 मिनट के फटाफट ट्यूटोरियल में कहीं पे, तो वी हैव गॉट यू कवर्ड। हमारे चैनल पे एक पूरा OBS का ट्यूटोरियल मौजूद है राइट फ्रॉम द स्क्रैच। तो कहीं भी आप कंफ्यूज हो जाते हैं तो ऊपर आई कार्ड में लिंक आ रहा है, चेकआउट करिएगा उस वीडियो का, या फिर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिलेगा, जाके चेक कर सकते हैं उस वीडियो को, आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो भाई लोग कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी ज़बरदस्त, जिंदाबाद हमेशा की तरह। वेलकम टू ब्लडी हिल गेमिंग। और OBS स्टूडियो सेटअप करने से पहले हम लोग तीन चीज़ें पहले ध्यान करेंगे और तीन चीज़ों का ध्यान रखेंगे शुरुआत में। सबसे पहले तो हम लोग OBS डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे, दूसरे हम लोग अपने YouTube का जो चैनल है उससे स्ट्रीम की लेंगे, जो कि बेहद ज़रूरी होती है स्ट्रीम करने के लिए, और तीसरे हम लोग ये चेक कर लेंगे कि हमारे इंटरनेट कनेक्शन पर अपलोड स्पीड कितनी है, क्योंकि आप किस क्वालिटी पर स्ट्रीम करेंगे वो इसी बात पर डिपेंड होता है कि आपकी इस कनेक्शन पर अपलोड स्पीड कितनी है। तो ओपन करते हैं ब्राउज़र फटाफट से और तीनों चीज़ें मैं करता हूँ बारी बारी। पहले हम लोग डाउनलोड करते हैं OBS, obsproject.com। आप चाहें तो सर्च कर सकते हैं, यहाँ से विंडोज़ के लिए हम लोग डाउनलोड करेंगे इसको, और ऑलरेडी फाइल इंस्टॉल हो रही है इसके, सॉरी डाउनलोड हो रही है। इसके बाद हम लोग चलते हैं YouTube पर और यहाँ से हम लोग लेते हैं अपनी स्ट्रीम की। स्ट्रीम की के लिए मैं आपको बता दूँ कि ये जो YouTube खुलेगा ऊपर यहाँ पे प्लस का साइन जो है क्रिएट का, इस पर क्लिक करेंगे और गो लाइव पे क्लिक करेंगे। गो लाइव पे क्लिक करने के बाद जो अगला पेज खुल रहा है, या तो यहीं से आप चाहें तो अपनी स्ट्रीम की ले सकते हैं, या जो भाई लोग ऐसे हैं जिनको ये इंटरफेस अभी उतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं है क्योंकि ये काफ़ी नया है अभी, तो आप चाहें तो स्ट्रीम क्लासिक पे भी जा सकते हैं। क्लिक करें, जो बॉटम लेफ्ट वाला हिस्सा है उसमें ऑप्शन है स्ट्रीम नाउ क्लासिक पे जाने का, यहाँ पे आ गए हम लोग। यहाँ थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे फटाफट से और ये रही स्ट्रीम की, कॉपी करेंगे यहाँ से, और ये रिवील आपको नहीं करनी है, किसी को बतानी नहीं है, आपको पता है कॉन्फिडेंशियल है। ओके, तो कॉपी कर लिया है हम लोगों ने इसको, और अब फाइनली एक स्पीड टेस्ट कर लेते हैं हम लोग अपने कनेक्शन का कि हम लोगों को अपलोड स्पीड कितनी आ रही है। ओके, सो मेरे कनेक्शन पे अपलोड और डाउनलोड स्पीड दोनों 30 है, तो मैं 30 का करीब 50 से 75%, यानी कि 15 से लेके और 22-23 के बीच में दे सकता हूँ डाउन अपलोड के लिए। ओके, तो OBS इंस्टॉल करने के बाद जब आप पहली बार लॉन्च करेंगे इसको, तो इस तरह का एक विजार्ड आएगा जो आपसे पूछेगा कि आप लोगों को एक्चुअली करना क्या है। तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रीमिंग के लिए कर रहे हैं, स्ट्रीम के लिए क्लिक करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर हम लोगों को हाँ करंट रेजोल्यूशन 1080p 60fps ही चाहिए, हम लोग 60fps जस्ट बिकॉज कि हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं। आपकी आपके अपलोड के हिसाब से, अपलोड स्पीड के हिसाब से कौन सा रेजोल्यूशन बेस्ट रहेगा स्ट्रीम करना, उसके लिए मैं आपको इसी वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है उसमें एक लिंक दे रहा हूँ। वहाँ पर यूट्यूब की रिकमेंडेशन है कि अगर आपकी अपलोड स्पीड कितनी हो कनेक्शन पर तो आपको कौन सा रेजोल्यूशन चूज़ करना चाहिए, ज़रूर चेकआउट करिएगा उसको। तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर सर्विस हम लोग देंगे, YouTube पे हम लोग स्ट्रीम करने वाले हैं, और यहाँ पे स्ट्रीम की जहाँ आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे हम लोगों को वो स्ट्रीम की जो है उसको पेस्ट करना है जो हम लोगों ने वहाँ से कॉपी की थी। तो पेस्ट, यहाँ पर वीडियो बिटरेट, अगर देखिए अगर आपके पास एक अच्छा स्ट्रांग PC है तो आप 10,000 बिट के आसपास बिटरेट रख सकते हैं, और 10,000 के आसपास इसलिए जस्ट बिकॉज की वीडियो बिटरेट एक्चुअली ये समझ लीजिए एक तरह से क्वालिटी है, किस क्वालिटी पर आपकी जो स्ट्रीम है वो डिलीवर होगी। तो नेक्स्ट करते हैं यहाँ पर और अप्लाई सेटिंग्स, दैट्स इट। अभी हम लोग थोड़ा सा और डीप जाके सेटिंग करेंगे अंदर, हम लोग क्लिक करते हैं सेटिंग्स पे। आउटपुट हम लोगों ने जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ये है बिटरेट 10,000 KBPS है। यहाँ पे एनकोडर आप चुन सकते हैं, अगर आपके पास डेडिकेटेड हार्डवेयर डिवाइस है जो ग्राफिक्स को सपोर्ट करे, आपके PC में अगर अलग से ग्राफिक्स कार्ड है तो वहाँ पे ग्राफिक्स कार्ड को चूज़ करें, नहीं तो आप जो सॉफ्टवेयर है उसको चूज़ कर सकते हैं, यानी कि जो CPU है आपका स्ट्रीमिंग PC का। इतना हो गया, इतना करने के बाद इसको छोड़ देंगे यहाँ पे। ऑडियो छोड़ देते हैं फिलहाल, और वीडियो आने के बाद देखिए कि बेस जो हम लोगों को दिखाई देगा वो भी 1080p है, और जो आउटपुट होगा वो भी 1080p है 60fps पे। तो केवल इतना हम लोगों को करना है, यहाँ से निकलना है बाहर, और अभी हम लोग कन्फिगर करेंगे कि कोई गेम अगर हम लोग बैकग्राउंड पे चलाते हैं तो कैसे हम लोगों को शो करना है स्ट्रीमिंग जो PC गेम्स हैं उसके हिसाब से। तो लॉन्च करते हैं गेम जल्दी से और फिर उसको कन्फिगर करते हैं यहाँ पे। तो जो गेम हम लोगों को स्ट्रीम करना है वो हम लोगों ने लॉन्च कर लिया है, अब हम लोग चलते हैं OBS स्क्रीन पर और वहाँ पर इस गेम को कैप्चर करते हैं जिससे कि इसको स्ट्रीम किया जा सके।
OBS की स्क्रीन पे आने के बाद हम लोग एक सोर्स ऐड करेंगे, यहाँ पर ऐड करते हैं प्लस का साइन और हम लोग क्लिक करते हैं गेम कैप्चर पे। आप जो चाहें इसको नाम दे सकते हैं, मैं छोड़ रहा हूँ इसको ऐसे ही। और यहाँ पे हम लोग मोड में डाल देंगे या तो कोई भी फुल स्क्रीन विंडो जो आपकी पीछे जो बैकग्राउंड में जो कोई भी फुल स्क्रीन विंडो है या तो उसको कैप्चर करें, या मैं स्पेसिफिक विंडो देता हूँ इसको कि एक खास विंडो जो हम लोग बता रहे हैं वही कैप्चर हो। और हम लोग क्लिक करते हैं जो यहाँ पे हमारे गेम का नाम है उसको। इतना करने के बाद बाकी सब आपको कुछ छेड़ने की ज़रूरत नहीं, क्लिक करेंगे ओके। और अभी आपको ब्लैक स्क्रीन दिखाई दे रही है, लेकिन जैसे ही मैं एक बार गेम स्क्रीन पे जाके वापस यहाँ पे आऊँगा तो आप देखेंगे कि गेम कैप्चर होना शुरू हो जाएगा। यहाँ आप देखिए और ये वापस आ गया, यहाँ पे हम लोगों का जो गेम है वो कैप्चर होना शुरू हो गया है। तो बस अब आपको कुछ नहीं करना है, आप स्टार्ट स्ट्रीमिंग का बटन दबाइए और लाइव चले जाइए। हाल तो गेम कैप्चर फीचर बहुत अच्छे से काम करता है, लेकिन अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है इसको यूज़ करने में तो एक दूसरा तरीका है जो हम लोग ऑप्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग एक नया सीन क्रिएट करते हैं, नया सीन बनाते हैं ओके। और इस पर हम लोग करते हैं डिस्प्ले कैप्चर। यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है डिस्प्ले कैप्चर, और ओके करने के बाद ये जो आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है इसका मतलब ये है कि आपकी स्क्रीन पे जो भी कुछ है वो कैप्चर होगा, OBS उसको कैप्चर करेगा और उसको स्ट्रीम करेगा। तो अगर आप इस मोड पे आने के बाद स्ट्रीम स्टार्टिंग का बटन दबाते हैं और उसके बाद अपना गेम खेलना शुरू करते हैं तो गेम पे जो भी कुछ है वो स्ट्रीम होगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसा होता है कि गेम खेलने के दौरान अगर आप अपनी स्क्रीन को स्विच ओवर करते हैं, कि अलग अलग सॉफ्टवेयर्स पर जाते हैं, तो जो भी आपकी स्क्रीन पे है वो सभी कुछ स्ट्रीम होगा। तो अगर आप डिस्प्ले कैप्चर को यूज़ करके स्ट्रीम कर रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि दो ही विंडोज़ का यूज़ करेंगे, OBS का या जो गेम खेल रहे हैं उसका। तो अब हम लोग बात करेंगे उन भाई लोगों की जो कि मोबाइल फ़ोन से कोई गेम स्ट्रीम करने वाले हैं किसी गेम कैप्चर कार्ड का यूज़ करके। तो उसके लिए भी हम लोग क्लिक करेंगे, ऐड करेंगे एक सोर्स, और ये होगा वीडियो कैप्चर डिवाइस, क्योंकि हमारा जो गेम कैप्चर कार्ड है वो एक्चुअली एक वीडियो कैप्चर डिवाइस ही होता है ओके। तो इतना करने के बाद जो ऑलरेडी एक्चुअली डिटेक्ट हो गया है, इन केस अगर आपके केस में डिटेक्ट ना हो तो ये पूरी लिस्ट है, यहाँ से जो भी आपका कार्ड है जो आपका गेम कैप्चर कार्ड है उसको क्लिक करके सेलेक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा जो कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली हैं वो ये है कि रेजोल्यूशन टाइप में डिवाइस डिफ़ॉल्ट की बजाय इसको कर लें कस्टम, और कस्टम करने के बाद इसको कर लें 1080p। FPS रखेंगे मैक्सिमम 60, क्योंकि 60 पे ही हम लोगों को स्ट्रीम करना है, और बाकी सब चीज़ें ऐसे ही रहने देंगे। ओके किया, और ओके करने के बाद फाइनली इट विल डिस्प्ले, और ये डिस्प्ले आ चुका है। अभी आप देख रहे हैं एक खास चीज़ और कि नीचे जो वॉल्यूम मिक्सर है, ऑडियो मिक्सर है, यहाँ पे भी आप ये देखिए कि तीसरा वीडियो कैप्चर डिवाइस आ गया है। अगर आप यहाँ पे नाम देते हैं एलगाटो या जिस भी कंपनी का आपका डिवाइस है तो यहाँ पे डिस्प्ले होगा कि ये वो साउंड है जो कि आपके गेम कैप्चर कार्ड, जो आपका गेम कैप्चर कार्ड आपके फ़ोन से इनपुट कर रहा है। अगर मैं क्लिक करूँ तो आप ये देखेंगे बार यहाँ पे हिलेगी, तो ये जो ऑडियो है आप देख रहे हैं कि ऑडियो सिग्नल आपको बराबर रिसीव हो रहा है। तो बस आपको कुछ नहीं करना है, स्टार्ट स्ट्रीमिंग पे बटन दबाइए, खेलिए, मौज मस्ती करिए, और जैसे आपकी स्ट्रीम पूरी हो स्टॉप स्ट्रीमिंग करिए एंड दैट्स इट। ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल अभी तक नहीं किया है तो, और वो घंटा आपको ज़रूर बजा देना है, क्योंकि आपको पता है कि सारा चमत्कार उसी से होगा जब भी एक नई वीडियो आएगी, वो घंटा बजेगा और आप लोगों को पता लग जाएगा कि वीडियो आ गई है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।